हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 10 विभागों में जो वैकेंसी आई है केंद्र की तरफ से, राज्य की तरफ से, गवर्नमेंट जॉब, जहां 10वीं से लेकर ग्रेजुएट तक के स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। पांच वैकेंसी की बात हमने कर ली थी पिछले वीडियो में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो वैकेंसी है जो कि 7 जुलाई 2023 को जो है इसका नोटिस आया। यहाँ पर कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है वो मैंने पढ़ लिया है। यहाँ पर उम्र की अगर बात करें तो 45 साल जो है यहाँ पर उम्र रहने वाली है, ठीक है। अंतिम जो है यानी 45 साल तक के यदि आप हुए हैं और जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उस पर आप खड़े उतरते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ आपको 10 जुलाई तक जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। कुल 652 पदों पर ये भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। एप्लीकेशन ऑनलाइन आपको करना है। ये जो है इसकी साइट है और इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप यहाँ पर विजिट करके एप्लीकेशन कर सकें। 26/6 को यह स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन और 10 जुलाई तक रात 12 बजे तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन अब हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो निर्देशानुसार उक्त भर्ती विज्ञप्ति संख्या में ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा जो है वो बढ़ाई गई है, यानी 10/7/2023 कल जो है 12 बजे से बढ़ाकर जो है वो 20/7/2023 कर दी गई है। तो अब जो है वो है आप लोग 20 जुलाई तक जो है आवेदन कर सकते हो। योग्यता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर योग्यता जो मांगी गई है किसी भी यूनिवर्सिटी से, आप लोगों ने आयुर्वेद में अगर ग्रेजुएशन की है या इसके समकक्ष कोई योग्यता आपने हासिल की है तो आप इस चिकित्सा अधिकारी की जो पोस्ट है इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पर मैंने आपको बताया उम्र जो है वह 20 से लेकर 45 साल तक की रखी गई है और जितने भी आरक्षित वर्ग हैं तो उनको उनकी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सैलरी की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की जो सैलरी होती है वो लगभग 82,400 के लगभग रहती है, ठीक है। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है। यदि आप यहाँ पर एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई करिएगा। यहाँ जो है आपका सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी है जो कि EMRS से आई है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से टीचर्स की, प्रिंसिपल की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की, जहाँ पर आप लोग अप्लाई अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रिंसिपल की 303 वैकेंसी है, PGT की 2266 है, अभी TGT की भी आने वाली है। इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ जो है उसकी भी वैकेंसी है, 361 अकाउंटेंट की है, 759 यहाँ पर JCA की है, लैब अटेंडेंट की 373 है, कुल 4062 है। तो ऐसा नहीं सोचना है, यहाँ पर TGT जो है उसकी अभी वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जो है 50 साल तक के जो है वो आप होने चाहिए। MA और BEd यहाँ मांगा गया है, 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। PGT के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और उसके साथ में BEd कंपलसरी है। 40 साल तक नॉट एक्सीडिंग, 40 साल तक जो है यहाँ उम्र मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन SC ST और OBC को यहाँ दिया जा रहा है। पोस्ट जो है यहाँ पर PGT की वो ये है, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और PGT रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है। यहाँ पर BEd जो है वह कंपलसरी है। अगर किसी ने BSc BEd किया है तो अलग से BEd की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। PGT कंप्यूटर साइंस में 40 ईयर एज मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन सभी आरक्षित वर्ग को मिलेगा ही। क्वालिफिकेशन MSc कंप्यूटर साइंस या IT से, ME और MTech कंप्यूटर साइंस या IT किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। अकाउंटेंट के लिए जो है 30 वर्ष है यहाँ पर। यहाँ कॉमर्स की में जो है वो आपने डिग्री कर रखी हो। इसके अलावा जूनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट JSA की जो है 30 साल मांगी गई है। सीनियर सेकेंडरी यानी 12th आपने कर रखी हो। हिंदी इंग्लिश में आप लोगों की 35 वर्ड पर मिनट जो है टाइपिंग होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए 30 साल ही है, 10वीं मांगी गई है यहाँ पर। और साथ में जो है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्निक में होना चाहिए या फिर 12th आपने साइंस स्ट्रीम से किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन पॉलिसी में यहाँ पर दिया हुआ है कि कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर उम्र में छूट दी जाएगी, ठीक है। SC ST को 5 साल, OBC 3 साल। उसके बाद जो है यहाँ पर महिलाओं की अगर बात करें तो PGT के लिए अगर वो अप्लाई करना चाहती हैं तो उनको 10 साल की छूट यहाँ मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि 50 साल तक की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर एलिजिबल हैं।
तो यहाँ पर यदि आप एलिजिबल हैं तो आप लोग जो है इस फॉर्म को भरिएगा। बहुत अच्छी पोस्ट है, सैलरी जो है वो आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर मिलने वाली है। मेरिट के आधार पर आप लोगों का यहाँ सिलेक्शन होगा।